मुकद्दस और बरकत वाली रात के दिन जामिया मस्जिद श्रीनगर को खोल दिया गया। लोग काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बहुत वाला खुश है कि अब दोपहर आज नमाज आज माह रमजान आज शबे कदर के स्टॉप दरवाज यालो उनके मगफिरतिक दो रहमतिक दो आजादी हिंद दो इस सारी हत अमन अमन तो रोजिन बेरोजिन खुश तो खुशहाल सारी बरकातहू। मुझे ना बोझिल ईद का मुझे वाला खुश की ये पर नमाज वो दुनिया में से सोने को बड़ी मस्जिद की इस पर पढ़ना का नमाज। बड़ी मुद्दत के बाद ये फैसला लिया गया कि श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। आज लैलतुल कद्र है यानी कि शब कद्र है जो कि हजारों रातों से बेहतर रात और अफजल मानी जाती है। और जो अकीदतमंद इस जामिया मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं उनसे मजीद बात करेंगी कि उनको कितनी खुशी है। सब जानते हैं कि जमातुल विदा के दिन जामिया मस्जिद श्रीनगर को बंद किया गया था जिसे लोग काफी ज्यादा परेशान थे और वो लोग जो गरीब तबके से वाबस्ता रखते थे क्योंकि उनकी यहाँ ईद होती है। इस वक्त हम शहर श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में मौजूद है जहाँ पे आज अकीदत मंदों का जो खुशी का ठिकाना है वो आज उस वक्त उसमें इजाफा हुआ जब हुकूमत की तरफ से बड़ी मुद्दत के बाद ये फैसला लिया गया कि श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। आज लैलतुल कद्र है यानी कि शब कद्र है जो कि हजारों रातों से बेहतर रात और अफजल मानी जाती है। और माह रमजान के इस पाक महीने में हमने इससे पहले देखा कि जुमतुल विदा पे हुकूमत ने यहाँ पे नमाज की अदायगी की इजाजत नहीं दी, लेकिन देर शाम गई जब हुकूमत का फैसला आता है कि तारीखी जामिया मस्जिद में यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी तो अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ के आई और दूर दूर इलाकों से अभी अकीदतमंद यहाँ आ रहे हैं। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शब खवानी की अगर इजाजत दी जाएगी तो वो भी यहाँ पे होगी। और बहरहाल यहाँ आगे हम लोगों से बात करेंगे जो अकीदतमंद इस जामिया मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं उनसे मजीद बात करेंगी कि उनको कितनी खुशी है। गवर्नमेंट से पनी जाए हमार सुधारण यल त्रावी इनशाल्लाह आयन तीद यी नजदीक से ईद इन वाचिन ये बात तो घर शास्त्री ये जामिया हर कह नमाज पढ़ान गोड़ गोड़ बोड़ दोस ईद अखर जुमह तो ये अमन अमन दह दो गोजा इनशाला यल वोस पनी जाए हिसाब किताब पढ़ा ये पढ़ा जामिया मे ज्यादा नमाज ये इजतमा ग नमाज पढ़ा ये ज्यादा ज्यादा खुद सबाद गर असली यह मरकज ये यद ग फर्क कह इनशा इनशा सोरे ग रुत पन माए मोहब्त सान योर लोल सान लोल वल युत वातान इबादत घर गोड पे यह मंज खुद नजात बनोमुत यह गोड पे इबादत घर ये ग सी तौब तौब तकसर तौब तकसर गसान नफल कहान ये कहान इबादत मखमूल वनकस तौब दरवाज यल वनकस मगफिरतिक दो रहमतिक दो आजादी हिंद दो यह सारे हत अमन अमन तो रोजिन बे रोजिन खुश तो खुशहाल सारी बसलामत रोजिन परवरदिगार थवन अमनस मज इतफाक इतिहादस मे मायस महबत मवन अल्लाह तला वनकन वक्त बूजिन सारे वनक कहतब यमात मे तौब तकसर गशा कबूल करान अल्लाह तला ना वमीद करान कह वमीदवार खान लोल सान लोल पोचन बे थवन माए महबत पानी इतफाक इतिहा गम तो परेशानी गई अल्लाह तला खास सम्या